मैंगो को जो है नॉर्मली ये मार्केट के अंदर कुछ कार्बाइड से पकाते हैं, कुछ एथिलीन साशे से पकाते हैं, ये प्रॉपर एथिलीन गैस है C2H4। वीडियो बनवाएं अपने कारोबार की तरक्की के लिए, इस नंबर पर वॉइस नोट भेजिए। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप वो मनाज़र देखेंगे जो आम तौर से देखने को नहीं मिलते। पाकिस्तान से आमों को कैसे यूरोप, अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है, वो सब जानते हैं हम इस वीडियो में। तो आइए वीडियो देखते हैं जी। ये देखें, ये हमारा कोल्ड स्टोरेज है, कंट्रोल चैम्बर है। टेम्परेचर कंट्रोल में हम लोग जो है टेम्परेचर कंट्रोल के अंदर राइपनिंग करते हैं, और ये यूरोप वगैरह और अमेरिका वगैरह के लिए शिपमेंट जो है स्लो राइपनिंग प्रोसीजर है, जो ये हमें करके भेजते हैं, जिसकी वजह से मैंगो की फर्मनेस सही रहती है। ये जो राइपनिंग है, इस राइपनिंग प्रोसीजर के अंदर ये फ़ायदा होता है कि मैंगो की जो ब्रिक्स लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाती है, स्वीटनेस ऐड हो जाती है उसके अंदर। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है जो हम साशे यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारी स्वीटनेस जो है ना वो थोड़ी सी सफ़र करते हैं, हम उसमें स्वीटनेस कस्टमर को नहीं मिलती। तो और स्टार्टिंग के अंदर ही हम लोगों ने जो बैच लगाया है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और हमारे जो ऑर्डर्स हैं उसी हिसाब से फिर हमारे इंक्रीज़ होते हैं पूरे सीज़न में। अच्छा, ये प्रोसेस जो है ये इस प्रोसेस के अंदर ये है कि आपकी डिपेंड करता है कि आपने कितनी कलर आपने देना है। 6 डेज भी लगते हैं, हम इसको क्विक रैपनिंग भी कर सकते हैं, 3 to 4 days तक हम इसको शिपमेंट रेडी करके भेज देते हैं। फिर ये ट्रैवलिंग के दौरान जो है इसका अपना कलर जो है ना, और ये मेंटेन करके अपना 80-90% पे कलर आ जाता है। ये शिपमेंट कहाँ के लिए? ये शिपमेंट है स्वीडन की शिपमेंट है, और क्योंकि ये आगे से ट्रकिंग भी जाता है तो इसमें ट्रांजिट टाइम जितना भी इसमें लगेगा तो उसमें मैंगो को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इसमें रिंकल्स वगैरह नहीं। कौन कौन सी वैरायटी है इसमें? अभी इस वक्त सिजनड़ी है, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक जो है ना बिग साइज मैंगो का ऑर्डर है। तो जहाँ लेकिन इसमें अंदर मेरा ख्याल अनवरटोल भी आपको नज़र आया होगा, वो अनवरटोल हम UK भेजेंगे, और हो सकता है कि हम सैम्पल शिपमेंट इसको इसमें भी भेजें, क्योंकि वो हमने ट्रायल किया है अनवरटोल को। अनवरटोल की रैपनिंग डिफरेंट होती है, तो लेकिन ये कि हम इसको ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल बैच लगाया है। बाहर जाएगा ये सब बाहर जाएंगे। या आम रैपनिंग होती क्या है? रैपनिंग आम को पकाने का जो मेथड है उसको रैपनिंग कहते हैं, क्योंकि मैंगो को जो है नॉर्मली ये मार्केट के अंदर कुछ कार्बाइड से पकाते हैं, कुछ एथिलीन साशे से पकाते हैं, ये प्रॉपर एथिलीन गैस है C2H4। और ये इसका ये हमारे पास एथिलीन जनरेटर है, इसको अभी हम थोड़ी देर में एथिलीन देंगे, क्योंकि अभी हमारा टेम्परेचर अभी 28 डिग्री हुआ है। 26 डिग्री के बाद हम इसको 26 डिग्री के बाद जो है ना हम ऑपरेट करेंगे, ताकि ये जो है इसका जो एथिलीन प्रॉपर जो है ना वेस्ट ना हो, क्योंकि ड्यूरिंग एथिलीन जो है ना हमें हर चीज़ शट ऑफ करनी पड़ती है। अच्छा, तो हम तफसीलात कुछ बताते हैं आम के बारे में। आम की पैदावार का हदफ इस साल 1,25,000 मेट्रिक टन रखा गया, और अगर ये हासिल हो गया तो पाकिस्तान $100 मिलियन का ज़रे मुबादला कमाएगा। लेकिन मसला ये है कि आपको पता ही है, पूरी दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान में ये ज़्यादा है। इस वजह से तखमीना लगाया जा रहा है तकरीबन 20% पैदावार में कमी हो सकती है इस साल। इस वजह से लगभग 1.8 मिलियन मेट्रिक टन के ऊपर असरात पेश आएंगे, और तकरीबन 1.44 मेट्रिक टन पैदावार रह जाएगी। 70% आम तकरीबन पंजाब में पैदा होता है। आम की कुल पैदावार में सिंध का हिस्सा 29% है, जबकि KPK में 1% आम पैदा होता है। गल्फ़ की रियासतों में ईरान, वस्ती एशिया, बरतानिया, यूरोप के बहुत से ममालिक पाकिस्तानी आम के बहुत बड़े ख़रीदार हैं, और इसके अलावा जो अहम मंडियां हैं वो कनाडा, अमेरिका और जापान भी हैं, जहां पाकिस्तानी आम को बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि ये जायके में बहुत रसदार होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत होते हैं, इसलिए वहां पे ज़्यादा इसकी डिमांड है और बहुत बड़ी कीमत देकर इसको ख़रीदा जाता है। वैसे तो ज़्यादातर आम एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी जो आम एक्सपोर्ट होता है उसमें से 50% आम समुद्री रास्ते से जाता है, यानी कि पानी के जहाज़ों के ज़रिए।
और 35% जो होता है एक्सपोर्ट वो ज़मीनी रास्तों के ज़रिए होता है, जबकि 15% हवाई जहाज़ों के ज़रिए होता है। जो दूर दराज के ममालिक हैं वहाँ हवाई जहाज़ों के ज़रिए भेजा जाता है आम। पाकिस्तानी आम बहुत ज़्यादा डिमांड में है दुनिया में, और ये कई हज़ार रुपए किलो तक वहाँ पे सेल होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट आपकी खिदमत में। कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में किसी और जगह से। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।